राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं, जी हां, तेज प्रताप यादव की। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इन दिनों चर्चाओं में, और चर्चाओं में रहने की वजह है तलाक। जी हां, तेज प्रताप यादव अब अपनी शादी से कह सकते हैं खुश नहीं है और वो तलाक चाहते हैं अपनी पत्नी ऐश्वर्या से। आज इसी मामले पर एक बहुत बड़ा खुलासा मैं करने वाला हूं। ऐश्वर्या, जी हां, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या ने इस मामले में बड़ी बात कही है। सोशल मीडिया पर देखने को मिला है कि इस तरीके की जो बात उन्होंने कही है वो वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। दरअसल तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या का ये कहना है कि वो शादी से खुश नहीं थी। जी हाँ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उनका ये कहना है कि वो शादी से खुश नहीं थी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर वो शादी से खुश नहीं थी तो उन्होंने शादी तेज प्रताप यादव से क्यों की। और देखिए, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। क्या ऐश्वर्या अपने पति का उत्पीड़न करती है? क्या वो अपने पति पर दबाव डालती थी? क्या शादी से दोनों खुश नहीं थे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को लेकर जो उत्पीड़न की बात कही है वो सही है? तमाम सवाल यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अभी नहीं मिल पा रहा है। और इन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ढूंढने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि उनकी पत्नी उन्हें प्रताड़ित करती थी, उनकी पत्नी उन्हें उन पर जो है कह सकते हैं दबाव डालती थी, तो क्या वाकई में प्रताड़ित या कह सकते हैं प्रताड़ना की वजह से तेज प्रताप यादव ने तलाक का फैसला ले लिया है? और आपको हम बता दें कि तेज प्रताप यादव, जैसा कि उन्होंने बीते दिनों अपनी बात भी रखी, उन्होंने तलाक की जो बात जो सामने आई थी उस पर उन्होंने कहा कि यह अफवाह नहीं है, ये बिल्कुल सही है, और वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी ऐश्वर्या से उन्हें तलाक मिल जाए। वहीं ये खबर जिस तरीके से, इस पर पुष्टि पूरी तरीके से तेज प्रताप यादव ने कर दी थी। और सबसे बड़ी बात है, तेज प्रताप यादव ने जो कह सकते हैं कि तलाक की जो अर्जी कोर्ट में दी थी, जिस नंबर से दी थी, जो नंबर वहां पर रजिस्टर हुआ था वो नंबर भी सही निकला। तो ये चीजें पूरी तरह से देखने को मिली कि वाकई में तेज प्रताप यादव ऐश्वर्या से तलाक चाहते हैं। हालांकि बात की जाए तेज प्रताप यादव के परिवार वालों की और सगे संबंधियों को, तो वो इन बातों को खारिज कर रहे हैं, वो इन बातों से इनकार कर रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई अनबन नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल अफवाहें उड़ाई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से खुद तेज प्रताप यादव ने इन बातों का खुलासा कर दिया है कि वो वाकई में अपनी पत्नी से परेशान है और वो तलाक चाहते हैं, उन्होंने कहा कि वो सच है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अब वो इस मोह जाल से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो घुट घुट कर आने वाले समय तक नहीं जी सकते, ना वो घुट घुट के अब जी सकते हैं, और उन्होंने कहा कि घुट घुट के जीने से अच्छा तो यही होगा कि वो तलाक ले लें। तो देखिए, ये सब चीजें बता दी हैं, तो यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि वाकई में बहुत बड़ी बात है जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने फैसला ले लिया है। चंद महीने पहले ही तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या की शादी हुई थी। आपको बता दें, शादी के दौरान काफी तरीके के कह सकते हैं कि इंतजाम किए गए थे, कई तरीके के पकवान बनाए गए थे, कई तरीके की मिठाइयां बनाई गई थी, कई तरीके से सजावट की गई थी, और उस शादी में कई बड़े बड़े दिग्गज नेता आए हुए थे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक चीज ये देखने को मिली कि सारा जो किया धरा है, कहीं ना कहीं अगर हम कह सकते हैं तो उस पर पानी फिर गया है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो सारा किया धरा था वो बर्बाद हो गया, क्योंकि इतना इंतजाम करना और शादी से पहले काफी तरीके की तैयारियां हो रही थी, लेकिन शादी के बाद ही इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई, दोनों के बीच में फूट की स्थिति आ गई। तो ये सवाल भी कहीं ना कहीं खड़ा हो रहा है कि शायद शादी से पहले, या कह सकते हैं कि ऐश्वर्या से शादी के लिए तैयार नहीं थे तेज प्रताप यादव। और यहाँ पर यह भी देखने को मिला कि शायद ऐश्वर्या भी तेज प्रताप को पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजनीतिक वजहों के चलते शायद उन्होंने शादी की है।
लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐश्वर्या ने जिस तरह से कहा कि वो भी शादी से खुश नहीं थी, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही है। और हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कोर्ट में जो है उन्होंने फाइल कर दी है तेज प्रताप यादव ने तलाक को लेकर, और इससे ऐश्वर्या के परिवार वाले काफी घबरा गए। आपको बता दें बीते दिन ऐश्वर्या के परिवार वाले जो है लालू के घर पहुंचे थे, तेज प्रताप यादव से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस कोशिश में तेज प्रताप यादव की माँ, अगर हम बात करते हैं राबड़ी देवी, उनकी बहन मीसा भारती भी तेज प्रताप को मनाने की कोशिश कर रही थी। यानी कि उन्हें हर कोई मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब जिस तरीके से जो फैसला उन्होंने ले लिया है, जिस तरीके से उन्होंने कदम उठा लिया है तलाक को लेकर, तो वाकई में इतनी बड़ी फूट जो है दोनों के बीच में देखने को मिली है, ये वाकई में बहुत हैरान कर देने वाली बात है। और देखिये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या जो है वो कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप है उनकी ना तो हरकतों को पसंद करती थी, और ना ही कह सकते हैं उनकी कह सकते हैं कि जो फैसला वो लेते थे तेज प्रताप, वो उनको पसंद करती, क्योंकि तेज प्रताप जो फैसला लिया करते थे वो खुद फैसला ले लेते थे, विचार विमर्श नहीं करते थे, कोई बातचीत नहीं करते थे, और ये चीजें ऐश्वर्या को कहीं ना कहीं पसंद भी नहीं आती थी, क्योंकि जो फैसला वो लेते थे वो अकेले ही ले लेते थे। और इन छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरीके से दोनों में मनमुटाव हो रहा था, इन छोटी छोटी बातों को लेकर जिस तरीके से दोनों में देखने को मिला कि फूट की स्थिति पड़ गई थी, और दोनों की जिस तरीके से शादी की जो है अब वो इस स्तर पर आ गए हैं, जो दोनों की शादी थी वो इस तरीके से अब तलाक पर बन आई है, तलाक की नौबत आ गई है। तो ऐसे में क्या अब तलाक लेकर ही जो है तेज प्रताप मानेंगे? और वहीं अगर देखा जाए तो मामला राजनीतिक रूप तो ले ही चुका है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या को लेकर। तो और सबसे बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव काफी समय से अपनी माँ, अगर बात की जाए राबड़ी देवी, उनसे नाराज थे, और सबसे बड़ी बात है अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी नाराज थे। देखिए नाराजगी की दरअसल वजह यह है क्योंकि तेज प्रताप यादव अपना अपनी बात चलाते थे, लेकिन तेजस्वी और कह सकते हैं कि राबड़ी देवी को यह पसंद नहीं था। कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक हुई थी लालू के घर में, और उस बैठक में कई बड़े बड़े नेता मौजूद थे, और गौर करने वाली बात यह है कि उस दौरान घर में तेज प्रताप यादव भी मौजूद थे, लेकिन तेज प्रताप यादव उस बैठक में शामिल नहीं हुए, उस बैठक में केवल तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी शामिल थे। तो देखिए अपनी पत्नी से तो नाखुश थे ही तेज प्रताप यादव, लेकिन अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और सबसे बड़ी बात तो ये अपनी माँ, अगर बात की जाए राबड़ी देवी, उनसे भी नाराज थे। तो यानी कि नाराजगी का ये जो दौर है वो काफी समय से देखने को मिल रहा है, और नाराजगी जो है तेज प्रताप की अपनी पत्नी से ज्यादा ही हो गई थी, और नाराजगी ज्यादा होने की वजह से ये देखिए मामला यहाँ तक पहुंच गया, तलाक की नौबत आ गई। और सबसे बड़ी बात तो ये कि तेज प्रताप यादव का ये कहना है कि वो सच है, सच्चाई का साथ दे रहे हैं, और उन्हें अब तलाक चाहिए क्योंकि वो घुट घुट कर नहीं जीना चाहते हैं। तो शादी के कुछ महीने बाद ही इस तरीके की स्थिति आ गई है, इस तरीके की नौबत यहाँ पर आ गई है कि तेज प्रताप यादव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और आपको बता दें तलाक का मामला कोई छोटा मामला नहीं होता, तलाक लेना कोई छोटी बात नहीं होती। अगर तलाक ले लिया जाता है तो इसका मतलब दोनों जो पति पत्नी हैं वो अलग हो जाते हैं, और जिस तरीके से तलाक के बाद जो है वो स्थितियां और खराब हो जाती हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव ने फैसला ले लिया है, क्या वो फैसला उन्होंने सोच समझ कर लिया है, या जल्दबाजी में कोई फैसला ले लिया है, क्या वो इस फैसले पर कायम रहेंगे, या फिर वो अपना फैसला बदल सकते हैं, क्या जो ऐश्वर्या के परिवार वाले हैं वो तेज प्रताप यादव को मनाने की जो कोशिश उनकी जारी है उस कोशिश में वो सफल साबित होंगे, उस कोशिश में वो कामयाब साबित होंगे, कामयाब हो पाएंगे। ऐसे में तमाम सवाल हैं जो यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब तो कुछ वक्त के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में अगर बात की जाए तो
ज्यादा वैसे नहीं बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि पारिवारिक मामला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका पारिवारिक मामला है, और अभी जो है इस इनके पारिवारिक मामले में बड़े बड़े खुलासे भी जो है कहीं ना कहीं आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने जो खुलासा किया, वहीं उनकी पत्नी ऐश्वर्या ने जो बात कही है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं नजर आती है कि दोनों ही शादी से खुश नहीं थे, लेकिन शादी करके जो है शादी करने के बाद भी जो है खुश नहीं हुए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि दोनों ने ये फैसला ले लिया, तेज प्रताप ने ये बड़ा फैसला ले लिया कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेकर रहेंगे। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।